अच्छा जी, ड्रेसिंग रूम के जो डोर्स हैं इनके बारे में हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। आप जो ऑपरेटिंग रूम के डोर हैं शुड बी 4 फीट वाइड और ईज इन कम्युनिकेशन ऑफ कार्ड्स एंड मतलब स्ट्रेचर गुजारना पड़ता है, कार्ड्स गुजारनी पड़ती है, इवन कि कुछ पेशेंट को विद द हेल्प ऑफ वो जो करनी है उसकी होती है, उसी के साथ उसको लेके जाया जाता है। इसलिए डोर्स की जो मिनिमम विड्थ है वो 4 फीट होनी चाहिए आइडियली, जो आइडियल है, लेकिन ऐसा होता है कुछ जगहों पे है कुछ जगहों पे नहीं। आइडियल यही है कि आप जो स्लाइडिंग डोर्स यूज करें शुड बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन द ऑपरेटिंग रूम फॉर द मेन कॉरिडोर, जहाँ से आपने पेशेंट को एंट्री देनी है। तो स्लाइडिंग हो तो बेस्ट है, लेकिन स्लाइडिंग का प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें जब स्ट्रेचर को गुजारा जाता है तो स्लाइडिंग के नीचे सारी कुछ है। अगर तो इंटरनल है, कुछ ऐसे भी अब डोर आ गए हैं जिसमें स्लाइडिंग जो है वो इंटरनल होती है, तो उस हाथ से जो है वो बेस्ट है स्लाइडिंग डोर। लेकिन ज़्यादातर तो फायदा यही है स्लाइडिंग डोर जो है ना वो बेस्ट है। इसका फायदा यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि स्लाइडिंग डोर्स क्यों बेस्ट है कि दे एलिमिनेट द एयर ड्राफ्ट्स पास्ट बाय स्विंगिंग। जब हम दरवाज़ा ओपन करते हैं या बंद करते हैं तो डोर्स की जो स्विंगिंग है उस वजह से एयर ड्राफ्ट्स जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। बाहर बैठ के लो ना क्लास में उसके नहीं अंदर नहीं आ सकते, यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब। The microbial count is usually at its peak at the time of the skin incision because this follows disturbance of air from gowning, draping, movement of personal and opening and closing of the throat. कहता है कि जो microbial count है जब लोग सर्जरी कर रहे होते हैं स्किन ओपन होती है उस टाइम जहाँ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पर एंटर हो सकते हैं, तो अगर एयर ग्लैंड्स में मूवमेंट आ जाए जो कि गाउनिंग ड्रेपिंग या पर्सनल के मूवमेंट होने से या दरवाजों के ओपन या बंद होने से अगर एक ग्लैंड में डिस्टर्बेंस आएगी एक ग्लैंड की वजह से जो एयर में मूवमेंट होगी एयर मूवमेंट की वजह से जो माइक्रोब्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके एट द साइट ऑफ इंसिजन जो है ना जाने के चांसेस जो है ना इस मूवमेंट की वजह से ज़्यादा है। इसलिए जो है ना वो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ड्यूरिंग ऑपरेशन थिएटर ड्यूरिंग ऑपरेशन डोर्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है ना वो ठीक काम है। Fire regulation mandate that sliding door for operating rooms be of the type that can be swung open if necessary. और ये भी उन्होंने लिखा हुआ है कि fire regulation इस चीज को जो है ना वो के जो sliding doors हैं वो अगर जैसे ही उसके ऊपर आग का थोड़ा बहुत शुबा होता है तो जो है ना open हो जाए अगर जरूरी हो, ठीक है। तो फायर एग्रेशन जो है ना इस चीज़ को लाजमी रखेगी कि अगर कोई धुआं वगैरह टच होता है तो ओपन हो जाए। डोर्स डू नॉट रिमेन ओपन इधर ड्यूरिंग और बिटवीन द सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर के दरमियान में या पहले या बाद में डोर्स को ओपन नहीं रहना चाहिए। ये नहीं कि सर्जरी के बाद उसे खोल दे, नहीं, डोर्स को जो है ना ओपनिंग जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। क्लोज डोर्स डिक्रीज द मिक्सिंग ऑफ एयर विद द ऑपरेटिंग रूम दैट ऑफ द इनर कॉरिडोर। अगर दरवाजे बंद रहेंगे तो ऑपरेटिंग रूम की हवा और बाहर की हवा मिक्स नहीं होगी विच मे कंटेन हाई माइक्रोबियल काउंट, क्योंकि जो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो एयर जो बाहर वाले कॉरिडोर्स की है उसमें माइक्रोबियल काउंट जो है एज कम्पेयर टू ऑपरेटिंग रूम जो है ज़्यादा है। एयर प्रेशर इन द रूम आल्सो इज डिस्टर्बेड इन द डोर्स रिमेन, और हवा का भी जो है ना वो हमेशा ऊंची नीच होती रहती है अगर जो है दरवाजे जो है ओपन किए रहें। The door to the substereal area, यहाँ पे चीज लिखी हुई है कि जो substereal area में हम डिस्कस करके आए हैं usually swinging style door होना चाहिए with a small window, ये swinging style होना चाहिए इसके अंदर थोड़ी छोटी सी window होनी चाहिए। These doors are not used for moving patient in and out of the operating room, should remain closed, क्योंकि इसमें patient को आने जाने के लिए use small नहीं किया जाता है इसलिए इसको बंद रहना चाहिए। Always look through the window before opening the door to prevent contamination. अगर आपने जाना है तो विंडो की तरफ से एक दफ़ा आप अंदर दूसरी तरफ देख लें ताकि किसी किस्म की इंजरी या कंटामिनेशन होने के चांस में ना हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कि व्हाट शुड बी द वेंटिलेशन सिस्टम इन आर ऑपरेटिंग रूम, ठीक है। द ऑपरेटिंग रूम वेंटिलेशन सिस्टम मस्ट इंश्योर अ कंट्रोल्ड सप्लाई ऑफ फिल्टर्ड एयर अंडर पॉजिटिव प्रेशर। एक फिल्टर्ड एयर जो है ना हमेशा पढ़ेंगे अभी आगे कौन से फिल्टर हम लोग यूज़ करते हैं, एक
जो भी एयर प्रेशर थिएटर में विद द हेल्प ऑफ एसी या किसी भी तरह से एंटर हो रही है शुड बी फिल्टर्ड और ये पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए. द प्राइमरी कंसर्न्स फॉर फ्लो ऑफ वेंटिलेशन इंक्लूड हाउ द एयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फिल्टर्ड एंड क्लास्ट. जो इसका कंसर्न ये है कि एयर पूरे प्रेशर थिएटर में डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है, फिल्टर कौन से फिल्टर्स के जरिए हो रही है और उसको बाहर कैसे निकाला जाए. तो एक सिस्टम है उसको हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग कहते हैं HVAC. इस सिस्टम के तहत हम लोग ये सारा कुछ चलाएंगे. इस HVAC सिस्टम ने क्या किया, मैन्युफैक्चरर्स कंटिन्यूअली स्टडी द बेस्ट वेज टू वेंटिलेट ऑपरेटिंग रूम. वो इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं कैसे पेशेंट रूम की वेंटिलेशन का सिस्टम रखे एंड प्रोवाइड वेंटिलेशन सिस्टम कंपैटिबल विद द नीड्स ऑफ द स्टेराइल एयर फॉर एसेप्टिक एयर क्वालिटी. तो इस चीज़ के ऊपर वो जोर देते हैं कि जो एयर क्वालिटी है वो हमेशा एसेप्टिक हो, फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, हमेशा जो स्टेराइल टीम वहाँ पे मौजूद है वो भी इसी ऐसी एयर के अंदर रहे जो कि टोटली जो है फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Air changes and circulation provide fresh air and prevent accumulation of anesthetic gases in the room. अब इसका क्या सिस्टम है कि क्या वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए कि हर प्रेशर थिएटर की जो एयर है वो हर एक घंटे के अंदर एटलीस्ट 14 से 15 दफा जो है ना इसको चेंज होते रहना चाहिए. प्रेशर रूम की एयर हर एक घंटे में 14-15 दफा चेंज होती रहेगी या हर 10 मिनट मिनिमम जो है ना बाद एयर चेंज होती रहेगी तो जो है ना माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है. Concentration of gases depends solely on the proportion of the pure air entering the air system to the air being recirculated through the system. कहता है जो gases की concentration जो हम लोग gases anesthesia gases जो भी use वहाँ पे कर रहे हैं वो इस चीज पे depend करता है कि कितनी साफ हवा patient theater में enter हो रही है, कितनी वो सारे के सारे system circulate कर रही है, इसकी concentration. सो यहाँ पे जो आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन है कि आपने जो क्लास ए ऑपरेटिंग रूम पढ़े हैं जिनका 150 फीट स्क्वायर का फ्लोर एरिया है इसके लिए एटलीस्ट 15 ACH मतलब एयर चेंज पर आवर विद 3 एक्सचेंजेस आउटसाइड एयर आर एयर के आउटसाइड एयर के आपको जो है एटलीस्ट 15 दफ़ा आपने एक घंटे में इसको चेंज करते रहना है फॉर क्लास ए ऑपरेटिंग रूम जो हम लोग क्लास ए पढ़ गए हैं. कुछ मैसेजेस अभी यहाँ पे शो नहीं होंगे बाद में देख सकते. इसके बाद कहते हैं क्लास बी एंड क्लास सी ऑपरेटिंग रूम्स एंड सिजेरियन डिलीवरी सूट्स यहाँ पे सिर्फ गायनी के ऑपरेट हो रहे हैं रिक्वायर 20 एयर चेंज पर आवर विद 4 ऑपरेटिंग आउटसाइड एयर एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू द ये 2010 की अमेरिकन इंटरनेशनल एयर गाइडलाइंस थी. उन्होंने ये जो डिजाइन कंस्ट्रक्शन में कहा कि जो क्लास बी सी और जो सी सेक्शन वाले रूम हैं वहाँ पे ये 15-20 एयर चेंज पर आवर होना तो वहाँ पे प्लेसेंटा ओपन होता है फ्लूड ज्यादा ओपन होता है तो उसकी जो है ना कंसंट्रेशन जो है ना जो एयर चेंज की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए. ए गैस स्कैवेंजर सिस्टम इज यूज्ड टू प्रिवेंट द बिल्ड अप ऑफ द वेस्ट एनेस्थेटिक गैसेस वेयर जनरल इनहेलेशन एनेस्थीसिया इज जहां पे हम लोग जीए दे रहे हैं वहाँ पे वो कहता है कि आपको एक गैस यानी कि जो गैस भी आप देखिए आपने एनेस्थीसिया तो दिया पेशेंट को लहर है उसने उसको जो है ना वो एनेस्थेटाइज कर दिया आपने यहाँ पे उसको आपको एनेस्थीसिया की टाइप्स सारी पढ़ चुके हैं मेडिकल में. इस सेमेस्टर में आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे कुछ इनहेलेशन एनेस्थीसिया होते हैं कुछ IV एनेस्थीसिया होते हैं जो जनरल हम लोग GA में देखते हैं. तो जहाँ पे जनरल इनहेलेशन एनेस्थीसिया यूज़ हो रहा हो यानी कि आप गैसों की मदद से पेशेंट को एनेस्थेटाइज कर रहे हो वहाँ पे अगर वो गैसें ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही रहेंगी तो ज़ाहिर है बाकी जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं जो वहाँ पे जो ओटी के मेंबर हैं उनको नुकसान पहुँचा सकती हैं इसलिए उसको निकालने के लिए गैस स्कैवेंजर सिस्टम जो है ना वो होना चाहिए. द स्कैवेंजर अटैचेस डायरेक्टली टू द आउटफ्लो ऑफ द एनेस्थीसिया मशीन. ये बेसिकली बेस्ट तो यही है कि एनेस्थीसिया मशीन के साथ ही ये अटैच हो और वहीं से वो गैस को जो है ना वो बाहर निकालता है. वेरियस टाइप्स ऑफ स्कैवेंजर्स वैक्यूम सिस्टम्स एंड स्मोक इवैक्यूएटर्स are used throughout the operating room to minimize air pollutants that are health risk for patient and perioperative team. The whole system jo hai na vacuum system jo hai na smoke evacuators jo hai na operating room mein use ho rahe hain taaki us risk ko kam kiya ja sake. Jo American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers ASHRAE se kehte hain unhone kuch standards banaye hain safe ventilation for operating rooms ke liye. If new air ducts are installed they should be thoroughly cleaned before activation. अगर नए डक्ट्स जो कि स्कैवेंजिंग के लिए यूज कर रहे हैं अगर आपने इंस्टॉल की हैं तो उनको
एक्टिवेट करने से पहले साफ करना चाहिए, प्रिवेंट द डिस्पर्सल ऑफ द पार्टिकुलेट मटेरियल इन टू दैट। ये ना अगर डक्ट के अंदर कुछ खास किस्म का मटेरियल भरा हो तो वो रेटिंग रूम के एनवायरनमेंट के अंदर जो है ना चला जाए, तो आपने डक्ट को पहले साफ करना। द रिस्क फॉर एयरबॉर्न कंटेमिनेशन या कंटेमिनेंट्स इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। अगर आप इसको साफ नहीं करेंगे तो एयरबॉर्न कंटेमिनेशन होने के चांस ज्यादा है। चलिए ये एक ऑपरेटिंग रूम है। इसके बाद ही ना एक लेमिनार एयर फ्लो सिस्टम आएगा जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कैसे एयर प्रेशर हीटर में एंटर होती है और कैसे उसको निकाला जाता है, कैसे फिल्टर्स को इंस्टॉल किया जाता है। ये सेपरेट टॉपिक है हमारा अगला, इसमें हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि वो भी ऑपरेटिंग रूम के बारे में होगा। यहाँ तक अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग आवाज कम आ रही थी मेरी। सिस्टम में यार आवाज कम क्यों आ रही है?